दोस्तों भाई कैसे हो आप सब। आज है मेरे पास यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड 3 और सैमसंग गलेक्सी S21 FE SD888 वाला एडिशन यहाँ पर, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिलता है। तो भाई इसका कंपैरिजन करेंगे हम आज वन प्लस नॉर्ड 3 के बैक कैमरे से, जिसमें कि आपको सेटअप जो है थोड़ा अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर वन प्लस में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का दोस्तों अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो यहां पर दिया गया है। तो भाई ये यहां पर जो बैक कैमरा सेटअप है दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, वन प्लस में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। भाई दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरा UI की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है भाई, डिसअपॉइंटमेंट वाला कोई भी यहां पर सीन नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको 0.6x का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है वन प्लस में, और आप 0.5x तक जा सकते हो यहां पर सैमसंग गलेक्सी S21 FE में। तो भाई वाइड एंगल की क्वालिटी थोड़ी देर में आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से अल्ट्रा वाइड कैमरे से ही। तो भाई देख सकते हैं आप दोनों ही फ़ोन से मैंने नाइट मोड में अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो ली है। तो भाई सैमसंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी देखने को मिल रही है वन प्लस के मुकाबले, लेकिन अगर आप स्काई में देखोगे तो भाई वहाँ पर वन प्लस थोड़ा ज़्यादा ही रेडिश टोन यहाँ पर ऐड कर देता है। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मुझे इसमें लगा डिफरेंस। ऊपर से दोस्तों जब आप नॉर्मल मोड में लेते हो बिना नाइट मोड ऑन किए हुए, फिर भी आप देख सकते हो वन प्लस का जो कैमरा है थोड़ा सा दोस्तों येलोइश टिंट ज़्यादा दे रहा है, जितनी की थी नहीं ओरिजिनल टाइम पे। बाकी दोस्तों नॉइज़ वगैरह तो दोनों ही फ़ोन में इक्वल सी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर अब डे लाइट कंडीशन की, तो भाई वन प्लस की फ़ोटो है जो अल्ट्रा वाइड कैमरे की, आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल होने की वजह से दोस्तों एक तो ये थोड़ी सी वाइट आती है फ़ोटो यहाँ पर, ऊपर से जो कलर्स है सैमसंग के वो मुझे ज़्यादा नेचुरल लगे और काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग भी आपको यहाँ पर सैमसंग में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों वन प्लस में आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, वहीं सैमसंग में आपको 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। डिजिटली जूम दोस्तों आप 2x कर सकते हो वैसे वन प्लस में, लेकिन आप पोर्ट्रेट शॉट नहीं ले पाओगे 2x मोड में। लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ लेनी है तो 3x में आप ले सकते हो S21 FE में, जो क्वालिटी है भाई पूरे DSLR लेवल की आपको देखने को मिल जाती है, आप लोग देख ही रहे होगे, जो कि वन प्लस से आप नहीं ले सकते हो। तो भाई यहाँ पर क्लियर विनर सैमसंग S21 FE बन जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूम की, वन प्लस आपको देता है 20x जूम और सैमसंग देता है 30x जूम। तो भाई जूम में भी यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा आगे है, निकल जाता है वन प्लस नॉर्ड 3 से, लेकिन दोस्तों अभी हम 20x जूम पर देखेंगे कि क्वालिटी कैसी आपको दोनों स्मार्टफोन से देखने को मिल जाती है। तो भाई आप देख सकते हैं 20x जूम पर दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी फ़ोटो यहाँ पर निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों वन प्लस की इमेज में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र की कमी देखने को मिल जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी फ़ोटो नहीं निकालता है। वहीं आप सैमसंग से भाई मून की फ़ोटो भी यहाँ पर शूट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो मून शॉट वाली फ़ोटोज़। अब देखिए दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें मेन सेंसर देखने को मिलते हैं, तो 50 मेगापिक्सल सेंसर होने की वजह से भाई थोड़ी सी डिटेल्स आप अच्छी कैप्चर कर सकते हो वन प्लस में, आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा यहाँ पर, लेकिन डायनेमिक रेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है सैमसंग गलेक्सी S21 FE। ये यहाँ पर दोनों के नाइट मोड से फ़ोटो ली गई थी। उसके बाद दोस्तों आप अगेन देख सकते हो भाई पोर्ट्रेट शॉट अगर मेन कैमरे से आप लेते हो तो सैमसंग की जो इमेज है भाई काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्ट्रास्टी और आई प्लीजिंग देखने को मिलेगी, वहीं वन प्लस थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइटिश कलर की फ़ोटो आपको निकाल कर देने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भाई वीडियो मोड की। अब तो वीडियोज़ आप दोनों ही फ़ोन में 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरे से, और भाई काफ़ी अच्छी वीडियोज़ दोनों ही फ़ोन यहाँ पर बनाते हैं भाई, टक्कर का मुकाबला था यहाँ पर वन प्लस और सैमसंग के बीच। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड देखने को मिल जाता है, लेकिन वन प्लस यहाँ पर आके क्योंकि आप इसमें 60 FPS पर भी अल्ट्रा स्टेडी मोड यूज़ कर सकते हो, वहीं सैमसंग में दोस्तों ओनली आप 30 FPS तक अल्ट्रा स्टेडी मोड यहाँ पर बना सकते हो वीडियोज़। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बैक कैमरा से मैंने यहाँ पर वीडियोज़ रिकॉर्ड की है, तो जो डिफरेंस है दोस्तों वो सिर्फ इतना है कि जो नॉर्ड 3 5G है भाई, इसका फोकस और एक्सपोजर लॉकिंग का सिस्टम थोड़ा सा स्लो लगा मुझे सैमसंग गलेक्सी S21 FE से। बाकी दोस्तों डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नॉर्ड 3 का जो एक्सपोजर है उसको ये एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर लेता है, बाकी सैमसंग दोस्तों काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपोजर लॉक लूक कर लेता है, ना कोई यहाँ पर आपको फोकस हंटिंग का इशू देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड 3 बीच बीच में लाइट बढ़ा देता है, बीच में दोस्तों कम कर लेता है, तो थोड़ा सा दोस्तों एक्सपोजर का इशू है, अदरवाइज दोनों ही फ़ोन दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी बना सकते हैं। और ये दोनों ही दोस्तों फ़ोन जो है अभी मैंने 1080p 60 FPS पर मैं वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर
कर रहा हो। दोस्तों ये वाली वीडियो आप दोनों ही फोन के बैक कैमरे से एक्शन मोड में देख रहे हो, तो भाई आप अभी स्टेबिलिटी का अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों लाइट काफी ज्यादा कम हो चुकी है इस टाइम, लेकिन दोनों ही फोन काफी अच्छे से यहाँ पर लाइट गैदर कर रहे हैं। आई थिंक सैमसंग का कैमरा थोड़ी अच्छी यहाँ पर लाइट गैदर कर रहा है इस टाइम पर। और दोस्तों ये वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड वाइज इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि सैमसंग में 60 फ्रेम की ऑप्शन एक्शन मोड में आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों क्वालिटी देखकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो क्वालिटी आपको किसकी अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिख सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो का ऐप चाहिए वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कमेंट सेक्शन पर। दोस्तों सैमसंग यहाँ पर काफ़ी आगे निकल जाता है यार, क्योंकि इसमें आप प्रो वीडियो मोड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ड्यूल कैप्चरिंग का मोड तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको दिया गया है, टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है, लेकिन जो आपको सैमसंग में पोर्ट्रेट वीडियोस का मोड देखने को मिलता है भाई, प्रो मोड, प्रो वीडियो मोड, वो दोस्तों सिर्फ आपको फोटो मोड में ही वन प्लस नॉट 3 में आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर वीडियो मोड का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सैमसंग में, उसमें आप 120 फ्रेम तक भाई वीडियोज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो भाई। उसके बाद यहाँ पर जो इसमें और मुझे लगा कि आप देख सकते हो भाई कि आप 120 फ्रेम में कर सकते हो। उसके बाद भाई वन प्लस में आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के पास, क्योंकि भाई पोर्ट्रेट वीडियोज़ यहाँ पर रील्स वगैरह बनाने के काफ़ी काम आती है, और कई सारे कॉन्टेंट मेकर यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दोस्तों सैमसंग की जो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सेल्फी की, तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जहाँ पर कि आपको जो क्वालिटी अभी मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। वहीं बात करें दोस्तों नॉर्ड 3 5G की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों भाई मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता है, अभी हम आगे देखते हैं कि इसकी सेल्फी बेहतर है। सबसे पहले भाई वीडियोज़ में हम देख लेते हैं, तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में आपको लग रहा होगा कि लाइट कम गैदर कर रहा है, लेकिन इसमें 4K 60 FPS पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ जो नॉर्ड 3 है भाई वो सिंपल 30 फ्रेम पर सेकंड पर, वो भी आपको 180p पर ये बना रहा है, तो भाई इसी वजह से यहाँ पर वीडियो में फ़र्क था। अब मैंने दोस्तों को ही दोस्तों 180p पर डाल दिया है, अब आप क्लियरली देख सकते हो जो नॉइज़ है भाई दोनों ही फ़ोन में काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। जो क्वालिटी है वो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की बेहतर है, लेकिन दोस्तों आपको ब्राइट लग रही होगी वन प्लस की इमेज, लेकिन इसमें भाई स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी उतनी सही आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है सैमसंग के मुकाबले। बाकी नो डाउट दोस्तों जो आपको यहाँ पर एक्सपोजर है वो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल रहा था नॉर्ड 3 में। फोटोज़ में दोस्तों क्लियरली बोलूँगा, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फोटोज़ यहाँ पर पसंद है तो आप नॉर्ड 3 के साथ जा सकते हो। अगर आपको दोस्तों डिटेल्स चाहिए और बिल्कुल रॉ फोटोज़ यहाँ पर निकालनी है या फिर ओरिजिनल कलर्स चाहिए फोटो में, तो आपको दोस्तों सैमसंग S21 FE के साथ यहाँ पर जाना चाहिए। आप हर फोटो में दोस्तों देख सकते हो ब्राइटनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है नॉर्ड 3, और मेरी दोस्तों शक्ल, मेरी स्वेटर है, दोनों इसने काफ़ी ज़्यादा वाइट यहाँ पर कर दी है। बाकी जो सैमसंग S21 FE काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल कलर के साथ ये यहाँ पर फोटोज़ को दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें पोर्ट्रेट मोड में अगर नाइट में आप फोटो लोगे तो अगेन भाई नॉर्ड 3 काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फोटो लेता है यहाँ पर, लेकिन क्वालिटी है वो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की काफ़ी सही है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन।